हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस, और इसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें फूड कन्वर्ट होता है एनर्जी में, मतलब आपका जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है और आपको एनर्जी देता है, और ये एनर्जी जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वैरायटी ऑफ फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ सेल्स के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो रेस्पिरेशन होती है वो दो तरह की होती है, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अदर इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? एरोबिक रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? द रेस्पिरेशन विच अकर इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करें, मतलब ऐसा सबस्ट्रेट जो ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी देता है, वो सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को कहते हैं हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, ग्लूकोज एरोबिक ऑर्गेनिज्म और एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में जाता है और वहाँ पर कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। पाइरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और जैसे ही ये पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, तो साथ में आपको एनर्जी भी मिलती है। अब यहाँ से एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में जो आपका पाइरूवेट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देता है आपको, वाटर देता है और एनर्जी देता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंडर जाते हैं, उनका जो प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा? ग्लूकोज उनके साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा, और पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और जिन ऑर्गेनिज्म में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें आपका जो पाइरूवेट होता है वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में आपको एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस किस किस में होती है? ये जितने भी यीस्ट होते हैं उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल, इसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। और हमारी बॉडी में क्या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है? यस, हमारी बॉडी में मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। जब हम एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो हमारे मसल की ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं कर पाते। उस समय पाइरूवेट आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और साथ में आपको एनर्जी देता है। यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल में जाकर जम जाता है और हमारे मसल्स को क्रैम्प देता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से बहुत ज़्यादा होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो एनर्जी यूज़ होती है वो कन्वर्ट होती है फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी में, और ये जो एटीपी होते हैं वो हमारे सेल के लिए फ्यूल का काम करते हैं। ये जो एटीपी होते हैं वो आफ्टर ब्रेकडाउन फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, और ये जो एनर्जी होती है इससे बहुत सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे सेल की चलती है। अब हम एटीपी के बारे में पढ़ेंगे। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एडीनोसिन के साथ 3 फॉस्फोरस जुड़े हुए होते हैं। एटीपी हमारे सेल के लिए एनर्जी करेंसी का काम करती है। जैसे इंडिया की करेंसी है रुपीज़, हम किसी भी दुकान में रुपये देकर कोई भी सामान खरीद लेते हैं, ऐसे ही हमारे सेल एटीपी कंज्यूम करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एटीपी को बनने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी रेस्पिरेशन से आती है। हमने यहाँ पर पढ़ा है कि कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी से क्या होता है? जो एडीपी होता है, एडीपी होता है एडीनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें
दो फॉस्फोरस जुड़े होते हैं एडिनिन के साथ। तो इस एनर्जी से एडीपी रिएक्ट करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और आपको एटीपी दे देता है। तो इसमें एडिनिन तीन फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। जितनी भी हमारे सेल्स की एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो थ्रू एटीपी डिराइव होती है। और एटीपी कैसे एनर्जी देता है? एटीपी जब हमारी बॉडी को एनर्जी देता है तो वो वापस एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में और साथ में आपको एनर्जी देता है। और एडीपी में कन्वर्ट होने के लिए इसको अपना टर्मिनल फॉस्फोरस ब्रेक करना पड़ता है, और ये टर्मिनल फॉस्फोरस ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब एक टर्मिनल फॉस्फोरस निकलता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। मतलब एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होता है तो जो एनर्जी निकलती है वो होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। और इस एनर्जी का यूज़ हम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन, तो देर शुड बी सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। प्लांट के केस में जो स्टोमेटा होता है वो गैसियस का एक्सचेंज करता है। कौन कौन सी गैस का एक्सचेंज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दिन के समय फोटोसिंथेसिस होती है। तो प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको वापस ले लेते हैं और उससे फूड की फॉर्मेशन करते हैं, प्लस ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। तो अल्टीमेटली प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं एनवायरनमेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर रहे हैं, और जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में जाती है उसे टेरेस्ट्रियल एनिमल थ्रू ब्रीदिंग अपने लंग्स में लेते हैं। और जो एनिमल पानी में रहते हैं वो पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वहाँ से ऑक्सीजन गेन करते हैं। जो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसका अमाउंट बहुत कम होता है कंपेयर टू जो ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। इसलिए जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो ब्रीदिंग रेट होता है, ब्रीदिंग रेट वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और हर ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गेन होता है। जैसे फिशेज की बात करें उनके पास होते हैं गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, और ह्यूमन के पास होते हैं लंग्स। नेक्स्ट पार्ट जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, और जो ट्रैकिया है वो इमर्ज आउट होता है फ्रॉम दी लैरिंक्स। मतलब ये लैरिंक्स के नीचे सिचुएटेड होता है, और ट्रैकिया का कुछ पार्ट जो होता है वो थायरॉयड ग्लैंड से कवर होता है। तो अगर ये हमारी ट्रैकिया है तो इसका कुछ पार्ट थायरॉयड ग्लैंड से भी कवर होता है। ट्रैकिया के ऊपर आप ये कार्टिलेज रिंग देख रहे हैं। ये कार्टिलेज रिंग कंप्लीट नहीं होती, मतलब इनका कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सी शेप्ड रिंग होती है। जो इनकम्प्लीट पार्ट है वो इस ट्रैकिया के बैक साइड में है। ये जो कार्टिलेज है वो हमारे ट्रैकिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, and this cartilage keep the trachea distended permanently. Next part है bronchi। जो हमारा trachea है वो further दो part में divide हो जाता है near to lung। जैसे ये trachea हमारे lungs के पास पहुँचता है वो दो part में divide हो जाता है, जिसे हम कहते हैं primary bronchi। Primary bronchi further divide होता है secondary bronchi में, और secondary bronchi further divide होते हैं tertiary bronchi में। अप टू टर्शरी ब्रोंकाई ये कार्टिलेज रिंग लाइफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स काफ़ी स्मूथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जिनका डायमीटर 1 मिलीमीटर तक होता है, और इनके ऊपर कार्टिलेज रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। जो ब्रोंकियोल्स है वो फर्दर ओपन होते हैं एल्वियोलाई में। तो यहाँ तक ब्रोंकियोल्स पहुँचते हैं, और फर्दर ये ब्रोंकियोल्स ओपन होते हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई ये आप बैलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इन एल्वियोलाई के ऊपर कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को इन एल्वियोलाई से लेकर जाना और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना,
और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लाना और इन एल्वियोलाइक तक पहुंचाना, सो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से मुंह से बाहर निकल सके। तो अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रोंक्योल जो होते हैं वो टर्मिनेट होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई होता है वो प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एल्वियोलाई होता है उसके ऊपर नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स जो होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं और हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाता है, जिससे हमारी चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है। और इन सभी इवेंट से क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर हवा भर जाती है और क्या होता है, जो हमारी एल्वियोलाई होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं। अब एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ये कैपिलरीज का काम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन लेती हैं एल्वियोलाई से और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाती हैं, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स तक पहुँचाती हैं ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर सके। जब ब्रीदिंग साइकिल चल रही होती है, ब्रीदिंग साइकिल में क्या होता है, एयर का टेक इन होता है और एयर का टेक आउट होता है। उस दौरान जो हमारा लंग होता है वो कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन रखता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट रहती है, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। जब कोई स्मॉल एनिमल होता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट होता है ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी पहुंचाने के लिए, लेकिन जब लार्ज एनिमल होता है तो उसके लिए डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होती, उसके लिए हमें कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ह्यूमन के केस में ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाती है, मतलब जो हमारा एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आती है, उस एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो फर्दर ब्लड कैपिलरीज में जाती है, उस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होता है और उस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है RBC के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये जो RBC होता है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में लेके जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स तक लाता है। तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म एल्वियोलाई में कैसे होता है। एल्वियोलाई इतना सरफेस एरिया कवर करते हैं कि अगर आप उनको स्प्रेड आउट करो ना तो वो 80 मीटर स्क्वायर तक का एरिया कवर कर ले। और अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ना हो, सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ऑक्सीजन अगर बॉडी के पार्ट तक पहुँचे, तो हमारे लंग से टो तक ऑक्सीजन को पहुंचने में कम 3 साल लग जाएंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट है हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के लिए। तो लास्ट पार्ट है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स। जो लंग्स होता है वो पेयर ऑफ स्पॉन्जी बैंड इलास्टिंग ऑर्गन फाउंड बाय द एयर सैक एंड देयर कनेक्टिंग ब्रोंकियोज और ब्लड वेसल। तो लंग्स के अंदर क्या क्या होता है, ब्रोंकियोज होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, इसके अंदर हवा भरी जाती है और ये काफ़ी इलास्टिक ऑर्गन होता है, स्पंजी टाइप ऑर्गन होता है। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं जो कि कोन शेप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, जिनका टॉप होता है वो टेपर होता है, मतलब बिल्कुल नोकीला नहीं होता, थोड़ा सा चपटा सा होता है, और जो नीचे से थोड़े ब्रॉड होते हैं। जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स होते हैं और राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, मतलब हमारे लेफ्ट लंग में 2 पार्ट होते हैं और राइट लंग में 3 पार्ट होते हैं। जो लेफ्ट लंग होता है वो स्लाइटली छोटा होता है क्योंकि वहाँ पर हमारा हार्ट भी होता है। तो ये हुआ लंग। लंग क्या हुआ, स्पंजी ऑर्गन है, ब्लड वेसल और ब्रोंकियोज होते हैं इसके अंदर। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, राइट लंग में 3 लोब होते हैं, क्योंकि लेफ्ट लंग हमारा थोड़ा छोटा होता है। और क्यों छोटा होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा हार्ट भी होता है, तो इसलिए लेफ्ट लंग का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। लंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और प्योर कोन नहीं होता, जो टिप होती है वो थोड़ी सी टेपर्ड होती है, फ्लैट होती है, और जो बॉटम होती है वो ब्रॉड होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म इन आवर बॉडी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।